प्रदेश के मंगल दलों के प्रोत्साहन स्वरूप आज खेल सामग्री युवा कल्याण विभाग के द्वारा वितरण के आज के समारोह में लखनऊ में मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित प्रदेश के खेल और युवा विभाग के मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी, उत्तर प्रदेश युवा परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर बिभ्राड़ चंद कौशिक जी, विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती डिंपल वर्मा जी, मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव श्री संजय प्रसाद जी, विभाग के सभी अधिकारीगण, विभिन्न जनपदों में उपस्थित जिलाधिकारीगण और युवक मंगल और महिला मंगल दलों से जुड़े हुए सभी अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी और प्रतिभागीगण, मैं सबसे पहले विभाग को, प्रदेश के युवाओं को एक रचनात्मक दृष्टि देने के लिए हृदय से बधाई देते हुए उन सभी युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों को इस अवसर पर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं जिन्हें आज खेल सामग्री उपलब्ध हो रही है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर 67,000 से अधिक युवक मंगल दल और महिला दल हैं जिन्हें ये स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसमें वॉलीबॉल भी है, फुटबॉल भी है और भी अन्य चीज़ें इसके साथ जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रदेश सरकार की स्पष्ट मंशा है कि हमारी हमारा जो युवा है वह राष्ट्र शक्ति का प्रतीक है। एक युवक कल का नहीं, आज का नागरिक है। आज उसका दृष्टिकोण अगर सकारात्मक है तो अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा के माध्यम से आज ही उज्जवल भविष्य की नींव भी रख देगा, जो किसी भी समाज और अंततः राष्ट्र के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और इस दृष्टि से युवा कल्याण विभाग एक वर्ष में दो बड़े कार्यक्रम कर रहा है। याद करिए, विगत वर्ष इसी वर्ष के प्रारंभ में जनवरी में देश के 6,000 से अधिक युवाओं का एक बड़ा सम्मेलन लखनऊ में आयोजित हुआ था। अब तक का ये सबसे बड़ा युवा कुंभ था और आज हर जनपद में हमारे मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों के कर कमलों से युवक मंगल दल और महिला दलों को वहां पर खेल की सामग्री उपलब्ध कराने का एक जो बृहद अभियान युवा कल्याण विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया है, मैं इसके लिए सभी युवक मंगल दल और महिला दलों का हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, ऊर्जा सबके पास है, लेकिन ऊर्जा की दृष्टि क्या है ये व्यक्ति पे और समाज पे निर्भर करता है। अगर हमारी दिशा रचनात्मक है, सकारात्मक है, तो हम स्वयं के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अपने प्रदेश के लिए भी और अपने देश के लिए भी उपयोगी होंगे। अगर हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक है
तो हम स्वयं के लिए तो बोझा बनेंगे ही बनेंगे, समाज के लिए भी और अंततः देश के लिए भी एक बोझा बन जाएंगे। खेल सामग्री वितरण के पीछे का उद्देश्य भी यही है। आप सब जानते हैं प्रदेश सरकार ने इससे पहले एक व्यवस्था बनाई, हर ग्राम पंचायत में हम लोग खेल का मैदान बनाएंगे, प्रयास प्रारंभ किया। बहुत सारे गांवों में लोगों ने रुचि लेकर के खेल के मैदान बनाए, ओपन जिम का निर्माण कराया। ओपन जिम के पीछे का उद्देश्य भी यही था कि बच्चे जाएंगे फालतू समय में, वह खेल के प्रति थोड़ी भी जागरूकता होगी, किसी को भी इसके साथ जुड़ने का एक अभ्यास होगा, धीरे धीरे करके प्रयास करके सब कुछ हो सकता है। उसी रचनात्मकता के साथ जोड़ने का एक क्रम जो प्रारंभ किया गया, आज उसी की एक नई श्रृंखला है कि युवा कल्याण विभाग स्पोर्ट्स के ये सभी किट प्रदेश के युवक मंगल दलों को उपलब्ध करा रहा है। एक बहुत बड़ा कार्य है, देखने के लिए एक वॉलीबॉल या फुटबॉल होगा, लेकिन अपने युवाओं के बारे में एक सकारात्मक सोच, और सकारात्मक सोच इस बात का कि नहीं, इन युवाओं की ऊर्जा का उपयोग समाज के लिए और राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें इनके माध्यम से एक बड़ा कार्य करना है। और मुझे लगता है कि विभागीय मंत्री ने रुचि ली, लेकिन विभाग के अपर मुख्य सचिव ने पुलिस में भर्ती होने के लिए राह खोल रही है कि अच्छे युवा पुलिस की भर्ती में बहुत शामिल हो सकें, इसके लिए स्पोर्ट्स के माध्यम से एक नया रास्ता आपके लिए खोला जा रहा है। तो एक अच्छा कार्य है ये, और मैं इसके लिए विभाग को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो 20 वर्षों से बंद पड़ी स्कीम थी, युवाओं के बारे में जो लोग सोच नहीं रखते थे, अपने साथ युवा जोड़ना पसंद करते थे, लेकिन युवाओं के साथ कोई अच्छा कार्य हो सके, युवा अच्छी दिशा में आगे बढ़ सकें, ये सोच ही नहीं थी। और उसका दुष्परिणाम क्या होता था कि एक बड़ी संख्या में युवा नशा की ओर जाता था। मुझे आश्चर्य होता है गांवों में युवाओं की बड़ी संख्या, अगर ये हमारी ताकत नकारात्मक दिशा में जाएगी, नशा की तरफ जाएगी, आपसी झगड़े फसाद में फंसेगी, छोटे छोटे विवादों को अनावश्यक तूल देती हुई दिखाई देगी, ये गांव का भी समाज का भी और अंततः राष्ट्र की भी अपूर्णीय क्षति है। इसे सकारात्मक दृष्टि देना, आप देखते होंगे खेल में टीम वर्क होता है और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी होती है, हमें क्षमता होगी तो हम खेल जीतेंगे, नहीं होगी तो अगली बार के लिए प्रयास करेंगे। याद रखना, ये टीम वर्क ही समाज की सफलता का आधार बनता है। जीवन के हर एक क्षेत्र में, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां पे अगर टीम वर्क नहीं, एक परिवार में अगर 6 सदस्य हैं और 6 के स्वर अलग अलग हैं, वह परिवार कभी एक साथ नहीं इकट्ठा होकर चल सकता। एक कहेगा कि मैं 9 बजे भोजन करूंगा, दूसरा कहेगा कि नहीं मैं 2 बजे करूंगा, तीसरा कहेगा कि मैं तो रात्रि को 12 बजे करूंगा, और इसी को लेकर के विवाद होता रहेगा, तब तो चल गया परिवार। परिवार के मुखिया ने भोजन एक बार बनाया, सबको बिठाया, परोसा, सबने एक साथ पाया, ये परिवार की व्यवस्था चल गई। एक व्यक्ति की पसंद सबकी पसंद नहीं हो सकती, एक सामूहिकता का निर्णय एक साथ चलता है और परिवार की व्यवस्था चलती है, ऐसे ही समाज की व्यवस्था भी होती है। एक टीम वर्क जब भी किसी व्यवस्था के साथ जुड़ती है तो ताकत कई गुना बढ़ जाती है, और खेल हमें एक टीम के रूप में कार्य करने की एक प्रेरणा भी देती है। तो साथ साथ सफलता और असफलता से, अगर हमें सफलता मिली तो उसमें हमारे अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर असफलता भी मिली तो भी अपराध बोध नहीं होना चाहिए, बल्कि दोनों में सफलता मिली
तो हम ग्राम पंचायत की प्रतिस्पर्धा से न्याय पंचायत में, न्याय पंचायत से विकास खंड में, विकास खंड से जिले में, जिले से कमिश्नरी में, कमिश्नरी से फिर स्टेट में, फिर नेशनल के लिए और फिर आगे की प्रतियोगिताओं के लिए अपने को तैयार करते हैं। ओलंपिक में पदक जीतने वाला कोई भी युवा अचानक ओलंपिक में नहीं जाता है, छोटी सी शुरुआत करता है और वो छोटी शुरुआत बड़ी बनती है। कॉमनवेल्थ गेम्स में जाने वाला युवा शुरुआत छोटी से करता है और उसकी प्रतिभा निखरती निखरती जब आगे बढ़ती है तो वही फिर दुनिया के सामने एक धूम मचाता हुआ दिखाई देता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसीलिए खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से इस युवा शक्ति को एक रचनात्मक दृष्टिकोण देने का कार्य किया है। ये रचनात्मक दृष्टिकोण देश के लिए उपयोगी है, समाज के लिए उपयोगी है और ये देश और समाज के लिए जो उपयोगी होगा वो आपके लिए भी उपयोगी होगा। ये कह देना कि जो मेरे लिए उपयोगी होगा वही देश के लिए उपयोगी है, ये अच्छी बात सोच नहीं। जो देश के लिए उपयोगी होगा, समाज के लिए उपयोगी होगा, वह हमारे लिए भी उपयोगी होगा। यह सोच हमें बहुत आगे बढ़ने के लिए एक सुनहरा अवसर देता है और इस सोच के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मुझे प्रसन्नता है इतने युवाओं को, आप सोचिए 67,000 से अधिक युवक मंगल दल और महिला दल बना दिए, एक बड़ी फौज हो गई है। तो यानी यूपी पुलिस को पूरी तरह ये तो बिल्कुल उसके पैरेलल एक नया वो खड़ा कर दिया युवक मंगल दल और महिला दलों का, एक बड़ा कार्यक्रम है ये। और मैं चाहूंगा कि प्रदेश के अंदर ग्राम पंचायतें तो 69,000 हैं लेकिन एक ग्राम पंचायत में कई कई राजस्व गांव हैं, कुल मिला के लगभग 2,00,000 के आसपास प्रदेश के अंदर राजस्व गांव होंगे या छोटे अन्य गांवों को मिलाकर के 2,00,000 की संख्या बनती है। अगर हम इन 2,00,000 गांवों में प्रदेश के युवक मंगल दल और महिला दलों का गठन करें, इन्हें स्पोर्ट्स के किट तो उपलब्ध कराएंगे ही, क्योंकि मैंने 3 वर्ष पहले भी और 2 वर्ष पहले भी इस बात को कहा था कि एक स्पेशल बजट बनाइए जो स्पोर्ट्स किट इन तक उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो सके, लेकिन साथ साथ इन्हें विभिन्न कार्यक्रमों के साथ भी हम जोड़ेंगे। विभिन्न कार्यक्रम जो हमारे होंगे रचनात्मक कार्यक्रम, जैसे बहुत सारे युवक मंगल दल ने कोरोना कालखंड में गांव के अंदर आपदा से निपटने के लिए प्रशासन के सहयोग में वे खड़े रहे। बहुत सारे युवक मंगल दल अपने गांव में साप्ताहिक स्वच्छता का अभियान चलाते हैं। बहुत सारे युवक मंगल दल साक्षरता में बड़ा योगदान दे सकते हैं। बहुत सारे युवक मंगल दल गांवों में शासन की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए गांव के अंदर गोष्ठी और जागरूकता का कार्यक्रम करा सकते हैं। गांव में होने वाले विवादों के पटाक्षेप करने में योगदान दे सकते हैं। अभी पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, पंचायत चुनाव में कहीं विवाद न खड़ा हो इस दृष्टि से गांव में बैठ करके एक खेल भावना के साथ चुनाव भी अगर किसी को लड़ना है तो दुश्मनी थोड़े है। कोई प्रधान होगा तो जन्म भर के लिए नहीं होना है, 5 साल के लिए अच्छा काम करेगा, जनता उसको आगे अवसर देगी, नहीं दे काम करेगा जनता फिर से उसको वापस भेज देगी, लेकिन उसको दुश्मनी में नहीं बदलने देना। और अगर कहीं लगता है कि ये गांव की व्यवस्था से बाहर हो चुका है, कोई अनैतिक साधनों का उपयोग करना चाहता है, अपराध और गलत साधनों का उपयोग करके वह चुनाव को प्रभावित कर रहा है, प्रशासन को सूचना देकर के उसमें प्रभावी कार्रवाई भी करवा देना। प्रयास होना चाहिए कि हमारे गांव की एंट्री मुख्य मार्ग से जब आज ऐसे प्रारंभ होती है कहीं गंदगी ना हो, गांव में खाद का गड्ढा बन जाए, गांव का जितना भी सॉलिड वेस्ट हो उसी गड्ढे में लेके जाएंगे, 1 साल 1.5 साल 2 साल के बाद जब खाद बन जाएगी उस कंपोस्ट को आप खेतों में उपयोग करिए, ग्राम पंचायत उसका उपयोग करे। लिक्विड वेस्ट के लिए भी हमें देखना चाहिए कि ड्रेनेज सिस्टम से, गांव का ड्रेनेज सिस्टम गांव के अंदर के तालाब में न गिरे, गांव के दूर जाकर के किसी अन्य तालाब को खुदवा के वहां गिरवाने की व्यवस्था हो।
जैसे जिस बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिन बीमारियों से बहुत जो बीमारियां केवल प्रदूषित जल के कारण होती हैं, इसलिए प्रदूषित जल से इस समस्या का समाधान करने के लिए भी हम लोगों को विशेष प्रयास करने चाहिए और इस पर हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए। और ये काम युवक मंगल दल बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है, हर एक ग्राम पंचायत में कर सकता है। इसी प्रकार से गांव में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय हैं या जूनियर हाई स्कूल होंगे, वहाँ की व्यवस्था ठीक हो, वहाँ की किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, गांव के उसके साथ ग्राम पंचायत को जोड़ना, कुछ अच्छे रचनात्मक कार्यों के साथ जोड़ने के साथ साथ युवक मंगल दल और महिला दलों को तमाम स्वरोजगार से जुड़ी हुई शासन की स्कीम के साथ जोड़ने का काम भी हो सकता है। इसमें सबको रुचि लेनी पड़ेगी, इन दलों के साथ साथ प्रशासन भी अगर इसमें रुचि ले लेगा एक बड़ा कार्य हो जाएगा। और मैं चाहूंगा विभागीय मंत्री उपेंद्र तिवारी जी, हर राजस्व गांव में, इसके बाद का लक्ष्य हमारा होना चाहिए कि हर राजस्व गांव में हम लोग युवक मंगल दल का गठन करके उन्हें स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाएंगे। और अगला जो कार्यक्रम हो, प्रयास हो, तब तक कोरोना पूरी तरह समाप्त हो जाए और फिर एक बड़ा युवक मंगल दल और का एक सम्मेलन और महिला दलों का एक सम्मेलन प्रदेश के अंदर बृहद पैमाने पर करने की एक व्यवस्था हमें करनी चाहिए, जिसके माध्यम से उनके पास उनको एक जो कार्य उन्होंने दिए उसके अनुभव का लाभ प्रदेश सरकार ले सके, ये जानकारी ले सके और जो शासन अपेक्षा करता अपने युवाओं से, उन युवाओं की उस रचनात्मक ऊर्जा का उपयोग भी हम एक सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ा सकें। इस व्यवस्था के साथ मैं आज के इस अवसर पर, जब इतने बड़े पैमाने पर यह खेल सामग्री प्रदेश के युवाओं को उपलब्ध हो रही है, इसके लिए विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं। लेकिन साथ साथ जिन युवक मंगल दल और महिला दलों को आज ये खेल सामग्री उपलब्ध हो रही है, वे बिना भेदभाव के गांव के अंदर एक उत्साहपूर्ण माहौल बनाने का अपना कार्यक्रम रचनात्मक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएंगे। और मैं जरूर चाहूंगा नशा के खिलाफ अभियान जरूर चलाइए, कोई भी नशीली चीजों का सेवन गांव के अंदर कोई ना करे, इसके बारे में एक विशेष अभियान आपका प्रारंभ होना चाहिए, बनना चाहिए, लोगों को बताया जाना चाहिए। ये कार्यक्रम अगर आप किसी एक कार्यक्रम के साथ जोड़िए, इसके खिलाफ आप नशा के खिलाफ अभियान चला सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस 2025 तक प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य निर्धारित किया ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ कि हम ट्यूबरक्लोसिस को पूरी तरह समाप्त करेंगे। हर एक जनपद में टीबी उन्मूलन का एक विशेष अभियान चलता है, इसमें टीबी से पीड़ित लोगों के लिए सरकार की कुछ स्कीम है, इस स्कीम को उन लोगों तक पहुंचाना। और हर युवक मंगल दल ये तय कर लेंगे अगर कोई भी गांव में टीबी पीड़ित है, उस तक हम लोग शासन की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य करेंगे, लक्ष्य निर्धारित कर लें, मुझे लगता बहुत बड़ा काम हो सकता है और आपकी ऊर्जा समाज के लिए और राष्ट्र के लिए उपयोगी हो पाएगी। मैं एक बार फिर से युवक मंगल दल से जुड़े हुए, महिला दलों से जुड़े हुए जितने भी हमारे प्रतिभागी यहाँ पर 11 जनपदों से जुड़े हुए प्रतिभागीगण यहाँ मेरे पास आए थे, इसमें जो है महाराजगंज जनपद, चित्रकूट, वाराणसी, बिजनौर, हरदोई, इटावा, यहाँ से लोग आए थे। मैंने 5 जनपदों से स्वयं भी बातचीत की, मुझे बहुत अच्छा लगा इन 5 जनपदों में अच्छा कार्य हो रहा है, जिसमें गोरखपुर, अलीगढ़, फिरोजाबाद, बांदा, गोंडा अच्छा कार्य युवक मंगल दलों के द्वारा और महिला दलों के द्वारा हो रहा है। और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले समय में युवक मंगल दल और भी अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। मैं एक बार फिर से विभाग को इस रचनात्मक कार्यक्रम के लिए हृदय से बधाई देते हुए, जितने भी युवक मंगल दल आज प्रदेश सरकार की इस रचनात्मक अभियान के साथ जुड़ रहे हैं, वे सभी अपनी पूरी ऊर्जा एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ एक
प्रदेश के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा करने में करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।